बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस चैनल में वेलकम। इस लेक्चर में अभी डिस्कस किया जाएगा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर है 7। चलिए देखते हैं इसमें क्या रिक्वायर्ड है। इफ 2 × (-2, 4) - 3a + 3 × (-1, b) 8 - 4 = 7, 10, 18, 1, देन फाइंड ए एंड बी। तो ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो एक बार गिवन इक्वेशन हम लिख लेते हैं, 2 × (-2, 4) - 3a + 3 × (-1, b) 8 - 4 इक्वल्स टू 7, 10, 18, 1। ये है मैट्रिक्स। इसमें सबसे पहले इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और इसके लिए इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया गया है 2 से, प्लस सेकेंड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया गया है 3 के साथ, और इक्वल्स टू मैट्रिक्स 7, 10, 18, 1। अब सबसे पहले हमने ये गिवन मैट्रिक्स जो है लेफ्ट साइड के मैट्रिक्स, इनको अब हमने प्लस करना है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो रही हैं, 4 + 3, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड में ऐड करेंगे तो 8 + 3b। सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा फर्स्ट में तो -6 + 24, 2a + - हो जाएगा -12, इक्वल्स टू 7, 10, 18, 1। तो लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स का सम आ गया है मैट्रिक्स 7, 8 + 3b (18) और 2a - 12 इक्वल्स टू मैट्रिक्स है 7, 10, 18, 1। इसके बाद अब हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। तो देखिए, 7 फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, 7 = 7। सेकेंड एलिमेंट होगा इक्वल सेकेंड एलिमेंट, तो 8 + 3b = आना चाहिए 10, और सेकेंड रो में 18 = 18 और 2a - 12 = 1। पहले हमने किया है 2a - 12 = 1। अब a की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप यूं करें कि -12 को राइट साइड में 1 में ऐड कर ले। इस तरह 2a = 13, ए की वैल्यू आ जाएगी 13/2। इस तरह ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ बी। उसके लिए हमने करना है 8 + 3b = 10, 8 + 3b = आ जाएगा 10। और अब पहले आप 8 को राइट साइड में लाएं, इधर जाके ये हो जाएगा -8। इस तरह फिर 3b = आ जाएगा 10 - 8, सो 3b = आ गया है 2। तो इस तरह b की वैल्यू आ जाएगी 2/3।